हैं ये भी लोगों तक पहुंचे, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी बिना पाकिस्तान को लेकर चुनाव नहीं लड़ सकती। उत्तर प्रदेश में जब इस समय के 8 वर्ष अब केंद्र सरकार के भी पूरे होने जा रहे हैं, 5 वर्ष आपने उत्तर प्रदेश में पूरा किया, डबल इंजन की सरकार थी तो आपको अपने उपलब्धियों की गिनती करानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से आज जबरन जो है कि संबित पात्रा ने पाकिस्तान को घुसाया है, देखिए इसमें कहीं से भी अखिलेश यादव शामिल नहीं थे। उन्होंने देखिए वो एक बार बयान दिया, उस बयान को जैसा आपने कहा भी कि वो एक बार दिया तो 1 लाख बार भारतीय जनता पार्टी जिन्ना का जाप कर रही है। और ये सारे दर्शक हम लोगों के जानते हैं। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मसलों को भी अगर किसी ने पाकिस्तान से जोड़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। 3 घटनाओं का केवल जिक्र होना चाहिए यहाँ पे। देखिए, एक तो उड़ी का हमला, देखिए वो हम लोगों को याद है अभी भी कि एक तरह से सितंबर 2016 में वो घटनाक्रम हुआ था। आप उसके बाद, चूंकि उसमें उत्तर प्रदेश के चुनाव थे तो आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया। आप पुलवामा अटैक के घटनाक्रम को देखिए, 14 फरवरी 2019 का घटनाक्रम था वो। और उस समय चूंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने में था और उस समय भी आपने जो है कि जोरदार स्ट्राइक किया, उसमें एयर स्ट्राइक किया उस टाइम पे। लेकिन एक घटना फिर से ध्यान देना आवश्यक है, पठानकोट का मामला जो 2 जनवरी 2016 को होता है। आप पठानकोट के समय में देखिए, दर्शकों को बहुत ध्यान देना आवश्यक है कि उस समय भी आतंकवादी हमला होता है और उस समय सरकार की प्रतिक्रिया उन दोनों घटनाओं से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि उस समय कोई चुनाव नहीं था। आपने उस समय आईएसआई को बुला के पहली बार एक तरह से हम लोग देखे तो आईएसआई को बुला के जो है कि हम लोगों ने पठानकोट की हमारी सरकार ने जांच करवाई। तो स्पष्ट है कि सरकार की प्राथमिकता में जबरन पाकिस्तान का प्यार किनको है? वो समाजवादी पार्टी को पाकिस्तान का प्यार है या भारतीय जनता पार्टी को प्यार है? अभी हम लोगों को याद है, राजीव जी आपके कार्यक्रम तो उस समय मैं डिबेट में शामिल भी था, जब पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन हो रहा था, प्रधानमंत्री जब वहां पे भी जो है कि जब वायुसेना के विमानों को उड़ाया जा रहा था, तब भी भारतीय जनता पार्टी, देखिए वो चीन के सीमा के पास का जगह था, चीन का नाम नहीं लिया जा रहा था, तब भी तमाम बीजेपी के लोग कह रहे थे कि इससे हम लोग चीन के उस छोर से, वहां से जवाब किसको दिया जाएगा? पाकिस्तान को जोरदार जवाब दिया जाएगा। और आज आप देखिए, जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह के तरफ से भी हमला करवाया जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर दावा कर रहे हैं कि नहीं, हमारे पास मैसेज आया था उसमें जब मैं सरकार बना रहा था, पाकिस्तान के तरफ से मैसेज आया था कि नहीं, आपको सिद्धू को शामिल करना पड़ेगा मंत्रिमंडल में। अब आप बताइए कि ये बात है, कब तो वो सरकार बनी थी? आज वो जब सुबह में पहले संबित पात्रा खुलासा करते हैं, पूरे घटनाक्रम का क्रम देखिए, संबित पात्रा लेके आते हैं, फिर अब कैप्टन अमरिंदर सिंह भी लेके आ जाते हैं कि हमारे ऊपर दो तरफा दबाव बन रहा था, सोनिया गांधी का दबाव था और पाकिस्तान का दबाव था। ये चीजें स्पष्ट है। अगर आपको पाकिस्तान से ऐसा कोई संदेश आया था तब आपने उस समय क्यों नहीं कहा इस चीज को लेकर? आपने उस समय स्पष्ट नहीं किया। अभी भी आप बताइए कि वो मैसेज किस रूप में था? वो मैसेज भी जनता के सामने सार्वजनिक कीजिए। तो पाकिस्तान को लेकर भारतीय जनता पार्टी, चूंकि देखिए तमाम मुद्दे पर जब ये असफल होते हैं, अभी इससे हम लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अंचलों में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, 1 दर्जन से ज्यादा घटनाएं हम लोगों के सामने में है कि वो चुनाव प्रचार करने के लिए क्षेत्र में जा रहा है लेकिन क्षेत्र की जनता उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं दे रही है, उनको खदेड़ा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। ऐसे स्थिति में वो लोगों का फिर से ध्यान बांटने के लिए अपने पूरा पाकिस्तान पे पहुंच गए हैं।